Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने probability distribution को start किया था. इसमें हम probability distribution के concept को थोड़ा और पढ़ेंगे. Probability distribution के concept को पढ़ने के लिए हमें random variable को समझना बहुत जरूरी है. और इससे पहले वीडियो में मैंने random variable के concept को ही explain किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. पहले उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी. आज की हम वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बनाते कैसे हैं वो समझेंगे, कितने तरीके के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं और ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में होनी ही चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है. इट इज अ लिस्टिंग ऑफ द ऑब्जर्व्ड actual frequencies of all the outcome of an experiment that actually occurred when experiment was done. probability distribution function kya hota hai? probability distribution function jo hota hai usme hum listing karte hain, yani ki humne koi bhi ek experiment ko conduct kiya aur us experiment mein outcome aane ki kya kya probability hai. जब हम उनको एक सिस्टमेटिक वे में प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. देखिए, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं. लिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्व एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम लिस्ट बनाएंगे जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है या एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं, जितने भी आउटकम होंगे एक्सपेरिमेंट के उसमें, जो कि एक्चुअल में जो हमारे आउटकम थे वो आए जब हमने एक्सपेरिमेंट को किया, यानी कि हमने एक कॉइन को टॉस किया. ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं. तो जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हमने मान लिया ये एक्स है, ये पी एक्स, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5. अगर हम इसी के लिस्टिंग कर देंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है. ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दी होती है टेक्स्ट बुक में, उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. कंफ्यूजन यही होता है, कोई भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के करने के एक पर्टिकुलर आउटकम के आने की जितने भी प्रोबेबिलिटीज होंगी, हम उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम को और साथ में प्रोबेबिलिटीज को, जब दोनों को सिस्टमेटिक वे में लिख देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा. अब हम देखते हैं कि जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. देखिए, सबसे पहले तो हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम इसमें नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे क्योंकि उसी तरीके से समझना आसान होगा. ठीक है, सपोज हमने बना दिया 3x-7, या फिर कोई इंटीग्रेशन करके बना दिया, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन है और fx dx. तो किसी भी तरीके से हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं. टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, पिछले स्लाइड में मैंने समझाया था कि हमने अगर एक हेड को, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं. हेड टेल 1/2 1/2. अब जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज है वो हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी ट्री कैसे बनती है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार प्रोबेबिलिटी ट्री बनाने के लिए आता है और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोबेबिलिटी ट्री को बनाने से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इसी से समझ में आते हैं. तो लेट्स सी इसका कॉन्सेप्ट हम कैसे करते हैं. अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो उसके लिए हम मानते हैं कि हमने किसी भी कॉइन को 2 बार टॉस किया. तो अगर हम मान लीजिए ये एक कॉइन है, अगर हम इसको टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ये ट्री की फर्स्ट ब्रांच है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ब्रांच. अब हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करने के बाद, एक बार तो हमने कर दिया लेकिन हमें क्या करना है, 2 बार टॉस करना है. तो हम फिर से टॉस करेंगे तो फिर से या तो हेड आएगा या फिर से टेल आएगा. फिर से टॉस करेंगे तो फिर से हेड आएगा या फिर से टेल आएगा. अब अगर आप इन चीजों को देखें तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनकर आई है, जैसे कि पहले हेड, फिर से हेड, हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, टेल एंड टेल. अगर आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था प्रोबेबिलिटी का, लेकिन वो मैंने प्रोबेबिलिटी ट्री बना के नहीं सिखाया था. अब सपोज कीजिए अगर हमें ऐसे करना हो कि फिर से हम इसको 3 बार टॉस करते हैं 2 की जगह, तो फिर से हेड हो जाएगा,
अब देखिए इसको फर्दर देखिए, पहले मैंने एक ब्रांच इसकी बन गई जब हमने इसको पहली बार टोस्ट किया, दूसरी ब्रांच कब बनेगी जब हम इसको दूसरी बार टोस्ट करेंगे, इसकी तीसरी ब्रांच कब बनेगी जब हम इसको तीसरी बार टोस्ट करेंगे, तीसरी बार टोस्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर से हेड फिर से टेल, फिर से हेड फिर से टेल, फिर से हेड फिर से टेल, फिर से हेड और फिर से टेल। अब अगर हमें इसके आउटकम लिखने हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबका पहला पहला उठाएंगे, एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, शट अप, एच टी टी। इसी तरीके से हम सबको लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ट्री होता है उसको बनाकर सॉल्व करना इजी होता है। आप सोचिए आपसे कोई बोले कि कॉइन 3 बार टॉस करना है, उसका सैंपल स्पेस आप बनाइए तो आपको कितना सोचना पड़ता है, पहले एच आएगा फिर एच आएगा फिर एच एच टी आएगा, लेकिन अगर उसको प्रोबेबिलिटी ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वो बहुत इजीली बन जाता है। अब हमें ये समझना है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने तरीके के होते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जब मैंने लास्ट वीडियो में रैंडम वेरिएबल बताया था तो मैंने इसमें बताया था कि रैंडम वेरिएबल भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है 2, 3, 4, 5, और जो कॉन्टिन्यूस होता है उसकी एक रेंज में होती है। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी से बनता है यानी कि जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, जिसमें एक रेंज होती है इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। ये जनरली इंटीग्रेशन से बनता है, हम इन पे सेपरेट वीडियोस बनाएंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगी वो इन्हीं पर बनेंगी और उन वीडियोस में हम इन पर डिटेल में बात करेंगे, अभी हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होनी ही चाहिए, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उनमें ये 2 प्रॉपर्टीज अगर नहीं होंगी तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्वालिफाई करने के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज का होना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकल कर आएंगी वो 1 के इक्वल होने चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा नहीं 1 से कम नहीं। इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे ही आप करते करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो आप देखेंगे कि जो 1/6 है ये 1/6 आपका 6 टाइम आएगा, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/6, अल्टीमेटली क्या होगा प्रोबेबिलिटी हमारी 1 बन जाएगी। तो अगर प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो 0 से 1 के बीच में होगी। ये मैंने बहुत पहले जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे प्रोबेबिलिटी के तो उसमें भी पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, यानी कि या तो इवेंट 100% श्योरिटी के साथ हो सकता है या इवेंट नहीं हो सकता है। 100% श्योरिटी से ज्यादा होने की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, और इवेंट ना हो तो वो 0 हो सकता है, लेकिन इवेंट कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। That's it for today's videos, guys. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है यू कैन कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आफ्टर सब्सक्राइबिंग सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यू गेट एन इंस्टेंट नोटिफिकेशन टू दैट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।